हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए मैंने ये देखिए, अभी आपको सिखाने के लिए मैंने थोड़े से फंदे डाले हैं डिज़ाइन के। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे हमने ये डिज़ाइन बनाना है। इसको बिगनर भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं करना। डिज़ाइन बहुत छोटा सा है, वीडियो भी बहुत छोटी सी है। तो चलिए हम डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आपको आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। मैंने इसमें 14 स्टिच लिए हैं, यानी कि मैंने 14 फंदे लिए हैं इसमें। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम ये डिज़ाइन फ्रेंड उल्टी तरफ से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने इसकी एक रो निकाल रही थी, तो मैंने उल्टी तरफ से ये डिज़ाइन हमारा स्टार्ट होगा। ये हमारा 3 सिलाई के बाद डिज़ाइन फिर बनता है, तो इसलिए मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, देखिए, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, और लास्ट में फिर से हमारे 2 फंदे सीधे बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड, ये हमारी राइट साइड है। तो राइट साइड में देखिए, जो फंदे हमने इस तरफ हमने जो फंदे सीधे बनाए थे, ये अब हम इन फंदों को राइट साइड से उल्टा बनाएंगे। आपको फर्स्ट टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देना है, उसके बाद आपका पैटर्न जो है वो चल पड़ेगा, डिज़ाइन शुरू हो जाएगा, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये जो हमारा एक फंदा उल्टा था, अब हम इसको इस तरफ सीधा बनाएंगे। अब 2 फंदे उल्टे बनेंगे और एक फंदा सीधा बनेगा, ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड, ये इस तरह से हमारा जो है पैटर्न स्टार्ट हो गया है। तो अब हम लोगों को आगे बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, अभी हम रॉन्ग साइड पे जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही रॉन्ग साइड से भी बनाएंगे। ये देखिए, ये बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आगे वाला जो स्टेप है वो थोड़ा सा देखने वाला है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी 3 सिलाई जो है ये हमारी कंप्लीट हो गई है, और ये हमारी सीधी साइड है। ये देखिए, ये हमारी सीधी साइड है। अब सीधी साइड पे हमारा जो है डिज़ाइन बनेगा, तो वो देखिए फ्रेंड कैसे बनेगा। ये देखिए, हमारे ये जो हमारे उल्टे फंदे हैं ये हमेशा ऐसे उल्टे ही रहेंगे। ये देखिए, स्टार्टिंग में भी उल्टे हैं, बीच में भी उल्टे फंदे जो है हमारे वो उल्टे ही रहेंगे। ये देखिए, अब ये वाला जो फंदा है इसको फ्रेंड ध्यान से देखिए, मैं आपको पास में करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ये एक है, ये 2 है और ये 3 है। तो ये देखिए फ्रेंड, आपको नीचे यहाँ पर ये जो होल दिख रहा है, ये इस वाले होल में आपने ऐसे सिलाई को डालना है। ये देखिए, धागा आप बाहर की तरफ रखेंगे, और ये देखिए आपने नीचे सबसे यहाँ पर ऐसे डाल के धागे को निकालना है। ईज़िली यहाँ से निकल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से धागा निकाला और ऐसे हमने सिलाई पे, ये देखिए इस तरह से सिलाई पे डालना है, और हमने इसको 2 का 1 बनाना है। ये देखिए इस तरह से। और अब हम ये 2 फंदे हमारे उल्टे हैं, उनको हम उल्टा ही बनाएंगे। फिर से हम नेक्स्ट फंदे को, ये देखिए 1
दो और ये तीन। तो ये देखिए, ये तीन के नीचे यहाँ पे आपको ये होल दिख रहा है, ये देखिए। तो इसमें हम लोग ऐसे सिलाई डालेंगे और ये देखिए इस तरह से सिलाई में डालेंगे और इसको हम दो का एक कर देंगे। फिर से हमारे दो फंदे उल्टे हैं तो उनको हम उल्टा ही बनाएंगे, ये देखिए। और फिर से ध्यान से देखिए फ्रेंड, ये देखिए, ये हमारा एक है, ये दो है और ये तीन है। ये ऐसे तीन होल दिख रहे हैं आपको, ये देखिए ध्यान से दिख रहे हैं। और ये लास्ट वाला ये जो हमारा होल है, इसमें हम इसको डालेंगे इस तरह से। इसीलिए हमारा ये डिज़ाइन जो है रॉन्ग साइड से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये तीन सिलाई के बाद बनता है। तो ये देखिए, फिर हम दो फंदे उल्टे हैं तो वो उल्टे ही बनेंगे। और ये देखिए, ये यहाँ से आपको आसानी से ये दिख रहा है, तो ये देखिए हम इसमें ऐसे डालेंगे। ये देखिए, बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। चलिए फ्रेंड, हम रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। रॉन्ग साइड में हमने जैसे ये फंदे बने हुए हैं सीधे पे सीधे, और ये जो फंदा हमने डिज़ाइन बनाया ये उल्टा है, तो इसको हम उल्टा ही बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये उल्टा ही बनेगा, सीधे फंदों पे सीधा ही बनेगा। ये देखिए, ये इस तरह से, ये हमेशा तीन सिलाई के बाद आपका डिज़ाइन बनेगा। तो टोटल ये चार सिलाई का डिज़ाइन है जो हर बार रिपीट होगा। तो ये देखिए, अब हम राइट साइड में आ गए हैं। ये देखिए, अब राइट साइड में जो दो दो फंदे उल्टे हैं, एक सीधा है, तो उनको ऐसे ही बनाएंगे। और फिर रॉन्ग साइड वैसे ही बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा तीन सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तीन सिलाई के बाद हम दोबारा फिर से इस डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ये तो दो फंदे हमारे जो है, ये देखिए, ये तो दो फंदे हमारे जो उल्टे हैं, ये उल्टे ही बनेंगे। तो ये देखिए डिज़ाइन को कैसे रिपीट करेंगे, ये देखिए, ये आपको आराम से दिख जाएगा। ये वाले डिज़ाइन में ये जो बड़ा सा होल है, ये देखिए, ये इसमें आपने डालना है। आपको पहली बार ही दिक्कत होगी, उसके बाद आपको आराम से डिज़ाइन समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इस वाले होल में ऐसे डालेंगे, फिर से दो का एक कर देंगे। ये देखिए, फिर से दो फंदे उल्टे हैं, वो उल्टे ही बनेंगे। फिर से ये देखिए, यहाँ पे ये जो बड़ा सा होल दिख रहा है, हर बार हमने अपने डिज़ाइन को ध्यान से बनाइएगा। पहली बारी में आपको दिक्कत होगी, उसके बाद तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो बड़ा होल दिख रहा है, इसी में आपने बनाना है तीन सिलाई के बाद जब डिज़ाइन चेंज होगा। ये देखिए, फिर से हम दो सिलाई, दो फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, फिर से हमने इसमें डिज़ाइन बनाना है। तो ये देखिए, फिर से हमारे ये दो फंदे उल्टे हैं, ये उल्टे बन गए। ये देखिए, फिर से हम इसमें डालेंगे, फिर से हमारे ये दो फंदे उल्टे। तो ये देखिए, रॉन्ग साइड से आपने जैसे हमने ये बनाना, ये देखिए हमारा पैटर्न आराम से दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाती हूँ बनने के बाद डिज़ाइन जो है कैसा दिखता है। तो ये देखिए फ्रेंड, बनने के बाद ये डिज़ाइन इस तरह से दिखाई देता है। ये देखिए, मैं आपको पास से करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपका डिज़ाइन दिखेगा। और फ्रेंड, आपने अगर ये वाला बॉर्डर अगर आप देखना चाहते हैं, तो इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, तो मैं उसका लिंक डाल दूँगी। तो आप इस बॉर्डर को भी जाके इस बॉर्डर की वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, कितना बन के सुंदर आया डिज़ाइन। ये आप गर्ल्स टॉप पे, लेडीज़ कार्डिगन जैकेट पे और छोटे बच्चों की फ़्रॉक पे भी आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, डिज़ाइन अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं हम एक
नए डिज़ाइन और नई वीडियो लेके। तब तक आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।